हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसरो की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और दोस्तों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम अपने ब्राउज़र पर चले जाएँगे। दोस्तों, ब्राउज़र पर चले जाने के बाद हमको अपने गूगल पे सर्च कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा गूगल ओपन हो जाएगा, गूगल के सर्च बार में हमको लिख देना है सरकारी रिजल्ट और गूगल के सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो दोस्तों, हम जैसे ही ओके करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, खुलने के बाद हमको इस फर्स्ट लिंक पर ओपन कर देना है सरकारी रिजल्ट। तो दोस्तों, हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास एक अगला लिंक खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ नेट बड़ा ही स्लो चल रहा है। दोस्तों, हम जैसे ही टैप कर देंगे सरकारी रिजल्ट पे तो हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड एंड लेटेस्ट जॉब। तो दोस्तों, हमको लेटेस्ट जॉब के देखिए दोस्तों सेकंड लिंक पे ओपन कर देना है, इसरो HSFC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2019। दोस्तों, हम इस पर जैसे ही टैप कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा इंटरफेस खुल जाने के बाद हमको इसका डिटेल पढ़ लेंगे। पहले दोस्तों इसका डिटेल को बता देते हैं। तो दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट है इसरो HSFC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2019, पोस्ट एड्रेस। तो दोस्तों, आज की डेट में ये पोस्ट निकली है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो HSFC वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2019। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स, दोस्तों एप्लीकेशन बिगन आज की डेट में दोस्तों ये फॉर्म निकला था 24/8/2019 और दोस्तों इसका लास्ट डेट 13/9/2019 है। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है पेमेंट फी करने की 13/9/2019। दोस्तों, इसके एग्जाम डेट अभी नोटिफाइड सून है और एडमिट कार्ड भी इसका नोटिफाइड सून है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फीस में जनरल OBC वाले के लिए 250, SC/ST वाले के लिए 0 है। दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी डिटेल टोटल 86 वैकेंसी है दोस्तों और पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहले पोस्ट नेम पढ़ लेते हैं, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंस। दोस्तों, टेक्नीशियन बी के लिए 39 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन बी के लिए 12 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 35 पोस्ट हैं। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल विद ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी रिलेटेड ट्रेड्स एंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। दोस्तों, आपके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होने चाहिए टेक्निकल असिस्टेंस में और दोस्तों टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी में क्लास 10th और विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एज लिमिट 18 से 35 साल है। तो दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल भी बता देते हैं आपको। पोस्ट नेम टेक्नीशियन ग्रेड बी, TE01, TE02, TE03। दोस्तों, आगे आप पढ़ लीजिएगा, ट्रेड फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल प्लम्बर वेल्डर मैकेनिस्ट। तो दोस्तों, फीटर के लिए 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट हैं और दोस्तों प्लम्बर के लिए 2 हैं, वेल्डर के लिए भी 1 है, मैकेनिस्ट के लिए 1 है। तो दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड बी के लिए DM01, DE01। तो दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों 2 हैं, मैकेनिकल के लिए 10 हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट TA01, TA02, TA03 के लिए, मैकेनिकल के लिए 20 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 हैं, सिविल के लिए 3 हैं। दोस्तों, डिटेल पढ़ लेने के बाद दोस्तों हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन के सामने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है हम आपको वो बताएंगे। दोस्तों, क्लिक हियर पे ओपन कर देने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। जैसा कि हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो गया है, दोस्तों ओपन हो जाने के बाद हमको इस फिटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही फिटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोस्तों कैसा इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों, इसमें एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नंबर TE01 पोस्ट अप्लाइड फॉर, दोस्तों फीटर टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम। दोस्तों दोस्तों इसमें हम अपना पूरा नाम भर देंगे। दोस्तों, जैसे मैं अपना पूरा नाम भर देता हूँ, पूरा नाम भरने के बाद दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस भी भर देना है।
दोस्तों ईमेल एड्रेस भर देने के बाद, तो दोस्तों रीटाइप ईमेल एड्रेस, तो दोस्तों रीटाइप ईमेल पर क्लिक करके हम अपना रीटाइप भी ईमेल एड्रेस भर देंगे। दोस्तों रीटाइप कर देने के बाद हमको मेल सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल के लिए फीमेल। तो दोस्तों सिलेक्ट कैटेगरी हम अपना ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं, और दोस्तों पीडब्ल्यू में तो दोस्तों आपको नो करना है, और आरयू एक्स सर्विस में तो इसमें भी आपको नो कर देना है, और दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में भी नो कर देना है। दोस्तों ये सब आप नो नो कर दीजिएगा, और दोस्तों अपना फादर नेम दे दीजिएगा। तो फादर नेम देने में हमको अपना एक कम्युनिकेशन एड्रेस दे देना है। तो दोस्तों जैसे मेरा एड्रेस है, दोस्तों मैंने अपना एड्रेस दे दिया है, तो दोस्तों उसके हमको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों मेरी सिटी जैसे लुधियाना है और स्टेट पंजाब है, और दोस्तों एक पिन कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मेरा पिन कोड है 141007। दोस्तों उसके बाद आपको एक अपना मोबाइल नंबर दे देना है। दे देने के बाद दोस्तों आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास नहीं तो दोस्तों आप वही मोबाइल नंबर दर्ज कर जो आपने दिया था। दोस्तों नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों मेरे पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लुधियाना है। तो दोस्तों लुधियाना बदलने के बाद नीचे आएंगे, दोस्तों सेट क्वालिफिकेशन एग्जाम, दोस्तों NSE इनफिल्ट्रेटेड, दोस्तों मैं ITI NTC इनफिल्ट्रेटेड पे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास इसकी डिटेल तो दोस्तों है नहीं। दोस्तों आपके पास अगर आपको अप्लाई करना हो तो दोस्तों कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने किस मंथ और किस साल में पास किया दोस्तों आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद मार्क्स आपके कितने हैं दोस्तों आप वो लिख, और कितने मिले हैं दोस्तों, क्लास या क्लास सेकंड पास है जो डिवीज़न है, उसके बाद कौन सा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने साल का कोर्स है आपका, ट्रेड डिटेल्स। दोस्तों आप जिस ट्रेड जो ट्रेड आपने किया उसमें डिटेल भर दीजिएगा, जैसे मैं कुछ भी भर देता हूँ। दोस्तों इतना भर देने के बाद आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप, दोस्तों जैसे मैं टेम्प्रोरी के लिए कोई फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, तो दोस्तों मैंने जैसे ये फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में ओके करेंगे। दोस्तों ये 50 KB की फ़ोटो मांग रहा है, तो दोस्तों 50 KB की फ़ोटो कोई अपलोड कर देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी, उसको नेक्स्ट स्टेप पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों जब हम जैसे नेक्स्ट स्टेप पर ओपन करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास लोडिंग आ रहा है ऊपर। दोस्तों हमारे पास, दोस्तों हमारे सामने वही पेज खुल गया है। दोस्तों फाइल अपलोड सक्सेसफुली, तो दोस्तों आप ये डिटेल भर लीजिएगा। दोस्तों फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपके आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दिया था उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक पर जाइएगा, तो आपको सिर्फ उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और कैप्चा कोड भरना है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो मेरे पास ये ट्रेड का नोट डिटेल आ जाएगा, दोस्तों जैसे ये अप्लाई फॉर्म भर रहे हैं किसी स्टूडेंट का, दोस्तों मैं लेकर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस अभी इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे भारत।